बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटी क्वींस, कैसे हो आप सब लोग। साथियों, आप लोगों के लिए आज मैं फेस पॉलिश DIY लेके आई हूँ। इतना ज़बरदस्त है, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मैंने कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हो। और उसके बाद मैंने रात से ये राइस और उड़द दाल, जो माश की वाइट दाल होती है, इसको मैंने भिगो के रख दिया था। और फिर मैंने इसे ग्राइंड कर दिया था थोड़ा सा वाटर डाल के प्लेन। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने ओवरनाइट इसे सोक करके रखा था। और ये देखें, ये माश की दाल और राइस है, जिसे उड़द दाल भी बोलते हैं। उसके बाद ये देखें, ये मैंने ग्राइंड कर दिया था, बहुत मामूली सा वाटर डाला था। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये बहुत थिक है, हमें ये बहुत रनी नहीं बनाना, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड जो इंग्रेडिएंट है, लास्ट वन, वो है लेमन। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ अपने ब्यूटी क्वींस को बताने के लिए, आपको बता नहीं सकती हूँ, गोल्डन गोल्डन मेरे तो हैंड्स हो गए थे इसको लगाने के बाद। मैं फुल एक लेमन लूँगी, लेमन को मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ। और ये देखें, मैंने पूरा लेमन ले लिया। उसके बाद इसमें मैं 1.5 टी स्पून कॉफ़ी मिक्स कर दूँगी। ये मैं एक हैंड का और फेस का बना रही हूँ। आप फेस का बनाना चाहो तो थोड़ी कम कम क्वांटिटी ले लीजिएगा, 1 टी स्पून कॉफ़ी एंड हाफ 1 टी स्पून लेमन, ठीक है। अब ये मैं इसे मिक्स 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 करूँगी। उसके बाद मैं इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट है, सोक्ड राइस एंड ग्राइंड राइस और उड़द दाल, ये मैं मिक्स कर दूँगी। उड़द दाल और जो है माश की दाल की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये पैक्ड है मिनरल्स के साथ, और ये हमारी स्किन को बहुत अच्छा रेडिएंट और ग्लो देता है। ये एक्नी को भी किल करता है और एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करता है, और हमारे पोर्स को भी श्रिंक करता है। ये बहुत अच्छा स्क्रब है राइस और उड़द दाल, और ये इतना अच्छा स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, हमें ब्राउन स्पॉट्स से भी बचाते हैं। मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट्स रखा था, आप फेस पे 30 मिनट्स रखिएगा। और उड़द दाल जो है और राइस का पेस्ट जो है, वो मैंने 2 टीस्पून डाला था, और उस हिसाब से बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई कुकिंग कर रहे हैं तो इस हिसाब से डालना है, ऐसा नहीं है, थिकनेस पे है कि कितना हमें डालना है। मैंने 2 टीस्पून डाला था। अब मैं इसे अच्छे तरीके से स्क्रब कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है इन दोनों में, राइस में और माश की दाल में, और ये स्किन को बहुत अच्छा टोन भी करता है। इतना अच्छा स्क्रब था, और यकीन करें, कॉफ़ी ने और राइस और दाल ने मिक्स होके जो मेरी स्किन को गोल्डन स्किन बना दिया था। ये बहुत अच्छा फेस पॉलिशर है, आप ट्राई करो और आप मुझे खुद बताओगे कि क्रिस्टल क्लियर स्किन हो गई थी। विटामिन सी भी है इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें लेमन है, और इसके बाद कॉफ़ी है। कॉफ़ी तो आपको पता है लोडेड है एंटीऑक्सीडेंट से। ये देखिए, मेरी स्किन में एक गोल्डन लुक आ गई थी, आपको बता नहीं सकती क्या ग्लो क्या शाइन आया। वाह 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 वाह, आप लोग तो मुझे वाह देने वाले हो 100%। और अगर वाह देने वाले हो तो मुझे प्लीज़ एक कमेंट करना और लाइक भी करना वीडियो को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियोज़ यूनिक टाइप के DIYs आप लोगों के लिए अपनी ब्यूटी क्वींस के लिए लेके आऊँ। ये बहुत अच्छा फेशियल स्क्रब भी है, और साथ में ये पॉलिशर भी है, ब्लीच भी है, टोन करता है, रेडिएंट करता है, ग्लो देता है। आप ट्राई करो और मुझे बताओ। ये देखें, ये सोक दे, एक रीकैप है, कॉफ़ी है, लेमन है, और ये मेरा पूरा मटेरियल है DIY का। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को आलिया एले को सब्सक्राइब भी करें, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि नई से नई वीडियोस आप तक पहुँचे। इजाज़त इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।